Once again, welcome back to our channel Bright Learning. Myself Sujit, and today we have chosen the topic quadratic equation. Quadratic equation को identify कैसे करेंगे ये आज के session में हम सीखेंगे. इसको solve करने के total 3 methods हैं. Number 1, completing square. Number 2, formula method. And number 3, factorization method. तो आज के इस session में हम सीखने वाले हैं quadratic equation को factorization method से कैसे solve करें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इट्स वेरी सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल इक्वेशन होता है. अगर हैश इंडेक्स इसका 2 है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका इंडेक्स हैश 2 है, मींस जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसका पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा. अगर उसका पावर मोर देन 2 है, देन दैट इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जांपल्स हियर. सपोज आई हैव रिटन 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल्स टू 0. सो आई कैन से दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज वन वेरिएबल इक्वेशन. यू कैन सी इजिली कि हियर जस्ट वन वेरिएबल इज देयर, x, एंड हाईएस्ट इंडेक्स इज 2. इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If suppose I'll write here 3x cube plus 2x square minus 9 equals to 0, is it quadratic equation? So definitely it is not a quadratic equation. How can you identify? Because in this equation highest power is 3, means index of this given equation is 3. So that's why this equation is not a quadratic equation. So yahan par aap samajh ja rahe ho ki easily kaun sa equation quadratic hai aur kaun sa equation quadratic nahi hai. Quadratic equation wahi hoga jiska highest index kitna hoga 2, and that equation should be one variable only. Theek hai, iske baad yahan par maine likha hua hai standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. It means that agar question mein kisi bhi form mein diya hoga equation, so we have to arrange that equation in this form only, because this is the standard form of quadratic equation. To dhyan dijiyega, jab bhi equation kisi bhi form mein ho, aapko is form mein first of all equation ko lekar aana hai, uske baad hi hum ise solve kar sakte hain. Maine pehle hi bataya quadratic equation ko solve karne ke total 3 methods hain. One is formula method, number 2 is completing square method, and the last one is the factorization method. यहां हमने कुछ equations लिए हैं जो quadratic equation है. देखिए आप यहां पर easily you can understand इस one variable equation का जो highest power है, जो index है वो 2 है. It means that ये जो है this is our quadratic equation. Same condition here, यहां पर भी one variable है m and m, और highest index जो है power जो है 2 है. It means that this is also quadratic equation. इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इसे कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप यहां पर देख लेंगे. यहां पर जिस भी वेरिएबल का इंडेक्स 2 होगा, पावर 2 होगा, उसका कोएफिशिएंट चेक करना है हमें. यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है? इफ नथिंग इज रिटन, इट मींस दैट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. और वहां पर जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, उस नंबर का इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1, और यहां पर वेरिएबल नहीं है, इसका कोएफिशिएंट है 54. 54 into 1 क्या हो जाएगा? इट इज 54. 54 साइन चेक कर लेंगे, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, मींस हम लोगों को प्लस 54 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसका एडिशन करने पे 15 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 54 आएगा. तो आपको टेबल पता होना चाहिए कि किस टेबल में 54 आता है. फॉर एग्जांपल 9 एंड 6, 54 के टेबल में भी आता है, 54 1 के टेबल में भी आ रहा है, मींस 54 एंड 1 एंड द सेम थिंग. इसके बाद 9 के टेबल में आ रहा है, 9 6 54, और 9 और 6 अगर ऐड कर रहे हैं तो 15 हमें मिल जा रहा है. इसका मतलब यह है कि 9 और 6 इसके फैक्टर लेने के बाद हमें आंसर मिल सकता है. तो मैं यहां पर ले लूंगा 9 एंड 6. अब बारी आएगी साइन देने की कि किस नंबर को कौन सा साइन देना है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर हमें चेक करना है ये जो साइन है 15 के पास, मींस जिसका वेरिएबल x है और उसका पावर 1 होगा, उसका जो भी यहां पे साइन होगा वो साइन हमें बिगर नंबर को देना होगा. लाइक 9 और 6 में ये जो साइन है किसको दिया जाएगा? डेफिनेटली बिगर नंबर को, मींस हमें वो साइन देना है 9 को.
इसके बाद अब मुझे ये 6 देखना होगा, मुझे ये चेक करना है दोनों का सम करने के बाद कितना होना चाहिए 15। अगर मैं यहां पर प्लस दे रहा हूं तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इट इज 15। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर प्लस ना देकर क्या दूंगा, माइनस। नाउ माइनस माइनस प्लस 9 and 6 15। यस, अब आंसर आ रहा है हमारे पास। और सेकंड थिंग, जब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 और 6 का, तो मुझे प्लस 54 मिलना चाहिए। 9 6 54 एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस। इट मीन्स दैट इसके ये दो फैक्टर हमें मिल गए। इसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना होगा फर्स्ट टर्म मुझे एज इट इज लिख देना है, सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके जो मैंने यहां पर फैक्टर्स लिए हुए हैं ये हो जाएगा -9x -6x, देन लास्ट टर्म एज इट इज 54 इक्वल्स टू 0। मीन्स मिडिल टर्म को हमारे फैक्टर के साथ हमने स्प्लिट कर दिया, बाकी दोनों टर्म्स हमने सेम रखे। फिर हमें क्या करना है, हमें दो दो के पेयर बना लेने हैं, और पेयर बनाने के बाद हमें कॉमन टर्म देखना है, x2 - 9x, इसमें कॉमन क्या है, डेफिनेटली x इज कॉमन इन बोथ। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x2 हो जाएगा x, x में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9x हो जाएगा, ओनली 9, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, सो x माइनस 9। जो यहां पर आप ले रहे हैं ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 101% आपको सेम चीज वही लिखनी है, तो सेम चीज हम यहां पर रिपीट कर देंगे, x माइनस 9, हमें चेंज नहीं करना है। अब इजिली समझ जाएंगे यहां पर कौन सा टर्म है, 6x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेफिनेटली 6, साइन कौन सा था, माइनस, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस। तो 6 × x - 6x - - becomes plus एंड 6 9 = 54। तो इजिली मुझे पता चल गया दोनों साइड में मुझे सेम टर्म रखना था, मैंने रख लिया। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, इक्वल्स टू जीरो हो जाएंगे, x माइनस 9 इन वन जो कॉमन था एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकेंड जो फैक्टर है वो हो जाएगा x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर हमें स्प्लिट कर देना है, x माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो और x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, सो आई विल गेट हियर x इज इक्वल टू जीरो, माइनस 9 वहाँ जाएगा, देन प्लस 9, और x इक्वल टू जीरो माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, देन x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। मतलब इसका फैक्टर हमें मिल गया 9 और 6। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फैक्टर्स को फाइंड करना है, फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद हमें स्प्लिट करके लिखना होगा और दो दो टर्म्स के साथ कॉमन लेना होगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे, और इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। बाय यूजिंग दिस मेथड हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स को इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, हियर वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 5m² = 22m + 15। सो दिस इक्वेशन इज डेफिनेटली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, but this equation is not given in standard form. I already explained you in this session only ki there is a standard form of quadratic equation. What is it? It's a ax² + bx + c = 0. It means that whatever type of given equation is there, we have to convert that equation in this form only. तो हम जो sentence यहाँ पर दिया हुआ है, जो equation यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम यहाँ पर change करेंगे इस form में। तो क्या करेंगे हम? Therefore, 5m² देखिए यहाँ पर जो index 2 है, ये left side में है, इसको as it is रखेंगे। इसमें कोई भी changes नहीं है। But जो 22m है, वो right side में है। So we have to transfer 22m from right side to left side. तो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। यहां पर प्लस था, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -22m, और ये प्लस 15 जब यहां पर आएगा तो ये इट विल बिकम -15, और अब यहां पर कुछ नहीं बचा, देन इट इज वी कैन राइट देयर 0, राइट। तो अब ये इक्वेशन जो है, नाउ इट इज इन दिस फॉर्म, ax² + bx + c = 0, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख लिया है, और इसके बाद ठीक जैसे हमने इसको सॉल्व किया, हमें इसे भी ठीक उसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहां भी हम इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, जो जिसका पावर 2 है या इंडेक्स 2 है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो 5 है, और जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 15 है। 15 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब इसके दो ऐसे फैक्टर हमें बताने हैं कि एडिशन करने पे 22 आएगा और उनका मल्टीप्लाई करने पे 75 आएगा। तो आप बताइए कैसा ये नंबर हो सकता है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये 25 एंड
3, और भी टेबल्स में ये आते हैं, बट हमें ये सोचना होगा कि कौन से टेबल में मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर मिल जाएगा और उनका सम करने पे ये आ जाएगा। तो 25 और 3 क्यों, 25 3 जा 75 और 25 में से 3 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को 22 मिल जा रहा है, मीन्स 75 के फैक्टर्स हो गए 25 एंड 3। मैंने आपको पहले बताया था जिसका इंडेक्स 1 है जिस वेरिएबल का, उसके पास जो साइन होता है वही साइन हम लोग को बिगर नंबर को देना होगा। 25 और 3 में कौन सा नंबर बिगर 1 है, 25 बिगर है, इसके पास माइनस चला जाएगा। तो अब अगले नंबर को मैं अगर माइनस देता हूं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 और 3 ऐड हो जाएगा 28, बट हमारी रिक्वायरमेंट है 22। इट मींस दैट आई कैन नॉट गिव हियर माइनस 3, तो मुझे यहां पर क्या देना होगा, यस, प्लस 3। नाउ माइनस प्लस माइनस, 25 में से 3 गया तो 22 मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मतलब मुझे -75 के दो फैक्टर मिल गए, कौन-कौन, -25 एंड 3। सो मैं अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इसे स्प्लिट कर दूंगा, 5m स्क्वायर -25m प्लस 3m -15 इक्वल्स टू 0। अब दो दो के मुझे पेयर बनाने हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 के टेबल में 5 आ रहा है, 5 के टेबल में 25 भी आ रहा है, मींस 5 कॉमन है, और m स्क्वायर और m में m कॉमन है, 5m में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5m स्क्वायर m आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है माइनस रहेगा, 5m में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 25 आएगा 5 आ जाएगा। ओके, अब बहुत से लोग सोचेंगे यहां भी m आएगा, अगर आप यहां पर m लिख दोगे तो ये m और ये m हो जाएगा m स्क्वायर और रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर m लिखने के बाद यहां पर m था इसलिए यहां पर मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, जो यहां पर ब्रैकेट में आया है सेम ब्रैकेट कॉपी कर लेना हमें अगले के लिए, ये मैंने आपको पहले बताया वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फिर मुझे यहां पर चेक करना है 3m और यहां पर m है, मतलब 3m लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 यहां पर कॉमन लेना होगा, साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। अब मेरे पास दो फैक्टर मेरे क्लियर है, एक फैक्टर मेरा जो कॉमन है वो है m माइनस 5 और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो हो जाएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इक्वल्स टू 0, माइनस 5 वहां जाएगा प्लस 5 और 5m प्लस 3 वहां पर जाएगा 0 माइनस 3। तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 5 और 5m इक्वल्स टू माइनस 3 यहां पर हो जाएगा m इक्वल्स टू 5 और मुझे m का वैल्यू फाइंड करना है और 5 और m में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये 5 कहां पर आ जाएगा, डिवीजन में, तो ये आंसर हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 5। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे हम लोगों ने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी तरह से करेंगे तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाने और उसके बाद हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमारे इस वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल and thank you so much for watching this video.